नमस्कार, मैं कमल कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चलो गांव की ओर। गांव में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। भारत में सदियों से चली आ रही परंपराएं भी गांव में ही मौजूद हैं और इसके अलावा गांव के लोगों में अपनापन और सामाजिक घनिष्ठता पाई जाती है। गांव में खुली धूप और हवा का आनंद भी महसूस किया जा सकता है और इसी आनंद को आप तक महसूस कराने को लेकर हम हर गांव की ओर चल पड़े हैं। और इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं करनाल जिले के खेड़ी मानसिंह गांव में और इस गांव की क्या कुछ खासियतें हैं वो आपको आज हम बताने वाले हैं। गांव की जिंदगी शहरों की तरह भागदौड़ वाली नहीं होती। गांव के लोग शांतिमय तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं और यही वजह है कि गांव के लोगों की जिंदगी सुकून भरी होती है। खेड़ी मानसिंह गांव के लोगों की जिंदगी भी कुछ इसी तरीके की है। जब हम इस गांव में पहुंचे तो सबसे पहले हमारी नजर गांव में बनी चौपालों पर गई। तो खेड़ी मानसिंह गांव के सफर पर हम चल रहे हैं और इस समय हम मौजूद है ब्राह्मण चौपाल में। आपको ये भी जानकारी दे दें कि खेड़ी मानसिंह गांव में कुल मिलाकर 5 चौपाले हैं और उनमें से ये एक चौपाल है और यहीं पर जो है भाईचारे की मिसाल कायम की जाती है, क्योंकि एक साथ बैठकर यहाँ पर गांव की भी चिंता की जाती है और गांव के विकास के बारे में भी कई बार चर्चा की जाती है ताकि पंचायत तक अपनी बातें पहुंचा सके। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि एक गांव में चौपाल की महत्वता क्या होती है। एक तो मिलजुल कर बैठ जाइए, भाईचारा बने रहे हमारा। ये कोई प्रोग्राम हुआ चौपाल में सार्वजनिक है जिस तरह, तो इससे फायदा हो जाए। किसी का निजी नहीं है, मतलब सामूहिक है, इसलिए इसकी यह महत्वता है। भाई यहाँ कोई बरात हुआ, कोई सुख दुख हुआ, उसके बारे में हम यहाँ इकट्ठे बैठ कर बात कर सकते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि पुराने समय में जो चौपालें होती थी वो किस तरह की होती थी, क्या माहौल होता था और आज किस तरह से बदलाव आया है। यही है जी, भाईचारा बना रहेगा और एक जगह बैठेंगे सब और कोई निभाए नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सभी ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और अखबार भी पढ़ते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर खेड़ी मानसिंह गांव की खासियतें क्या हैं? देखो, यहाँ पहले से और आज के माहौल में तो 50% ज़्यादा अच्छा काम है गांव में। सरपंच ने अच्छा काम किया है, यहाँ पंचायत की तरफ से अखबार लगा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं आप, अखबार भी है पंचायत के द्वारा ही लगाए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर आए वो अखबार पढ़ सके। ब्राह्मण चौपाल के अलावा इस गाँव में संधू चौपाल भी है, जहाँ अपने पुराने अंदाज के साथ ग्रामीण गाँव की जीवन शैली को आज के मॉडर्न जमाने में समेटे हुए है। खेड़ी मानसिंह गांव में 5 चौपाले हैं। हर चौपाल में शौचालय मौजूद है, पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा चौपालों में ग्रामीणों के लिए अखबार की भी सहूलियत है। आगे बढ़ते हुए हमने इस गांव के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक बुजुर्ग से बातचीत की और इस गांव को लेकर हमारी सबसे बड़ी जिज्ञासा यही थी कि आखिर इस गांव को किसी व्यक्ति विशेष के नाम से क्यों जाना जाता है। 600-700 साल लगभग पुराना गांव है और इसे शुरू में कोत की खेड़ी के नाम से बोलते थे। उसके बाद फिर एक मारा कोई बुजुर्ग आया मानसिंह के नाम से खेड़ी मानसिंह पड़ गई जी। बाकी सभी बिरादरियों के लोग यहाँ रहते हैं, सारे रल मिल कर हैं, कोई दिक्कत नहीं। यू इतिहास है। अब जब इतिहास की बात हो, आस्था का जिक्र ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस गांव के लोगों की अपने अपने धर्म में अपार आस्था है। गांव में जहां शिव मंदिर गुरुद्वारा पीर बाबा मौजूद है, तो वहीं सिंधु गोत्र से संबंधित लोगों की काला पीर बाबा में भी अपार श्रद्धा है और इसी श्रद्धा के साथ ग्रामीणों ने इस काला पीर बाबा का भव्य निर्माण करवाया। ये हमारे दादा काला पीर है, ये हमारे पूर्वज है, इसी की हम वंशज है और इसको पूरा गाँव पूजता है। पहले ये मंदिर छोटा था और अब पूरे गाँव ने मतलब पैसे इकट्ठा करके संधु गोत्र ने इसको दोबारा बड़े उससे बनाया और बड़ी श्रद्धा से बनाया है। ये हमारे दादा काले पीर की फोटो है जो सदियों से हम इनको पूजते हैं और ये हमारे पूर्वज हैं। इसके बाद बात करें गांव में बने गुरुद्वारे की, तो यहां पर सिख कौम के लोग आते तो जरूर है, लेकिन गुरुद्वारे के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में थोड़ी नाराजगी और मायूसी जरूर है। जी, यहाँ ये गुरुद्वारा में 5-10 घर हैं जी और इसमें कमाई का कोई साधन नहीं है, ना कोई जमीन है, ना कुछ है। सरकार मदद करे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। दूसरी ओर अगर बात करें गांव के बाहर बने पीर बाबा की, तो यहाँ इंद्री से लेकर नीलोखेड़ी तक के लोग अपने दुख का निवारण और सुख की कामना लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। जो मांगते हैं वो सब पूरा होता है जी, दूर बम्बई तोड़ी के बनते आते हैं। ठीक है, इधर से आते हैं सब, नीलोखेड़ी का एरिया सब आता है, अपना खेड़ी मानसिंह सारा आता है, इंद्रिया लखे के सारे इंद्री से सारे जाते हैं, सबकी मानता पूरी करते हैं।
आस्था के बाद अब इस गांव की लाइफलाइन कही जाने वाली नहर की बात भी कर लेते हैं। इस गांव में पश्चिमी यमुना नहर है, जिससे कि ग्रामीणों को एक तय समय सीमा में इस नहर का फायदा होता है। इस गांव की एक और खासियत ये भी है कि पंचायत की ओर से ग्रामीणों की सुविधा के लिए चौपाल से लेकर मंदिर तक और मंदिर से लेकर सार्वजनिक जगहों तक बैठने के लिए बेंच की सुविधा है। खेड़ी मानसिंह गांव में पक्की सड़कें बनी है, 30 गलियों का निर्माण कार्य करवाया गया है, पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन दबी है, स्वच्छ पेयजल के लिए 3 वाटर कूलर भी मौजूद है, ग्रामीणों के लिए 120 बेंच की व्यवस्था की गई है, खेतों में जाने वाले रास्ते पक्के हुए हैं। इस गांव के युवा ने देश सेवा करते करते अपने प्राण न्योछावर किए हैं और उस शहीद का नाम था राम मेहर सिंह। राम मेहर सिंह छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के द्वारा किए गए हमले में शहीद हो गए थे। जहां शहीद राम मेहर की शहादत से गांव को फख्र है, तो वहीं ग्रामीणों समेत राम मेहर के पिता को सरकार से शिकायत भी है। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद के पिता पूर्णचंद जी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का वो एक पल था जब ये खबर उनको मिली और किस तरह से वो गर्व आज भी महसूस करते हैं। पूर्णचंद जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके बेटे के बारे में, और हमने सुना है कि आपके 2 बेटे सेना में हैं और इस गांव के कई युवा भी आज भी सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, देखो जी, वो शहीद हुआ 24 तारीख 5वां महीना 17 साल में जब शहीद होया, कुछ तो आए ले था, फिर इसमें सब कर्मचारी आए थे, डीसी भी थे, मंत्री भी थे, कलेक्टर भी आए। उन्होंने एक घोषणा की थी भी एक तो स्टेडियम एक गेट यहाँ बनवाएंगे और बाकी माँ लड़के को जो प्लस टू हो जाएगी भी उसको हम लगवा देंगे। बाकी माँ जी देखो, ना तो अभी तक गेट बना और ना स्टेडियम बना, और जिसके बारे में कोई कार्य